नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया उनमें से बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। कुछ ऐसे भी गुमनाम देश प्रेमी रहे हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं है, और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम उम्र में हैं और कम उम्र में बहुत बड़े बड़े काम करके निकल गए हैं। उन्हीं की कहानियाँ, उन्हीं की कथाएँ, उन्हीं की संघर्ष की जो है चीज़ें मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। आज की कहानी दो बच्चियों की है। उम्र रही होगी 14 साल, 14.5 साल की, और सुदूर देश के राजधानी के त्रिपुरा से ये कहानी है। इसमें स्कूल में पढ़ने वाली इन दोनों बच्चियों ने वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट, जो बड़ा आतंक मचाए हुए था, अत्याचार कर रहा था, उसको ये हम लोग पहुँचाया था। इस कहानी में कुछ पात्र भी हैं, मगर जिस जज्बे के साथ इन्होंने काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। दरअसल त्रिपुरा के पास में जिला मुख्यालय है कोलंबा, वहाँ की ये कहानी है। वहाँ जिला मजिस्ट्रेट था स्टीवेंस। स्टीवेंस के साथ दिक्कत ये थी कि अपने सरकार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जबरन अत्याचार कर रहा था हम लोगों पर। सामान्य लोगों को दिन में निकलना मुश्किल था, छोटे बच्चों को निकलने पर पाबंदी लगा दी थी, जो निकल रहे थे उन पर परिचय पत्र था। इसके अलावा ज़्यादातर अपना काम घर के बंगले से ही करता था, बाहर कम ही निकलता था। लोग बाग ना मिल पाते थे, मिलने वालों की बहुत तलाशी होती थी। दरअसल इसके लेकर कहानी ये थी कि उसको मारने का कई सारे क्रांतिकारी प्रयास कर चुके थे मगर कोई सफल नहीं हो रहा था। मगर ये बीड़ा उठाया दो बच्चियों ने, जिनकी उम्र 14.5 और 14 वर्ष है। इनके नाम सुनीति और शांति है। ये वहाँ के फैजुनिसा जो विद्यालय है उसकी छात्राएं हैं। और एक दिन की बात यह है कि फैजुनिसा विद्यालय की प्राचार्य कल्याणी देवी, जो पहले से ही बच्चों बच्चियों में देश प्रेम का जज्बा भर रही थी, उनसे ये पूरी चर्चा कर रही थी कि आखिर कैसे स्टीवेंस को यम लोक पहुँचाया जाए। अब कल्याणी देवी की कहानी भी सुन लीजिए। कल्याणी देवी के पिता मैनी माधव गोपाल सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं। उसके अलावा उनकी एक और बहन थी बीणा, जिसने एक अंग्रेज को मारा था और 13 वर्ष की जेल में भी थी। तो आप समझ सकते हैं उसके संस्कारों में देश प्रेम कैसा होगा, तो उनके बच्चों में भी वो परिलक्षित हो रहा था। कल्याणी देवी ने दोनों बच्चियों को तैयार किया और बड़ा जिम्मा दो सौंपा कि जो काम बड़े बड़े क्रांतिकारी नहीं कर पा रहे वो काम अब तुम करोगे। ये दोनों बच्चियां तैयार होकर स्टीवेंस के बंगले पर पहुंच गईं। चारों तरफ से शस्त्र भारी पहरेदार खड़े हुए थे, कटीली झाड़ियां और तमाम सारे बैरिकेड लगाए गए थे। दोनों बच्चियों ने पहरेदार से कहा कि हमको साहब से मिलना है, हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता हो रही है नदी में, और उस दौरान मोटरयान और दूसरी नावों को रोकने के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो सामान्यतः बच्चियों को समझकर उन दोनों को अंदर प्रवेश कर दिया गया और उनकी तलाशी भी नहीं हुई। और बैठक रूम से जब अपना नाम दूसरा बदल के ईला सेनो और मीरा देवी नाम अपना बताया और अंदर पहुंच गई। स्टीवेंस ने बुलाया, मुस्कुराया, बोला पहले अपने प्रिंसिपल से अग्रसित करा के लाओ। और इतना कहते ही जैसे ही वो लेटर पर लिखने लगा कि प्रिंसिपल से रिमार्क करा के लाए, इसी दौरान शांति ने खुजली के बहाने अंदर दबी पिस्तौल को निकाला और सीधे अचूक गोली उसमें मार दी। तो भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता के वीर जो काम नहीं कर पाए थे वो उन छोटी बच्चियों ने कर दिया। पकड़ी गई, उम्र कम थी तो आजीवन कारावास हुआ, मृत्युदंड तो नहीं हुआ मगर जीवन भर के लिए काल की कोठरी में समा गई और अपना नाम हमेशा के लिए भारत माता की सेवा में अमर कर गई। ऐसे ही बाल बलिदानियों की कथा मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। कल किसी दूसरे बलिदानी की कथा के साथ फिर हाजिर रहूँगा। नमस्कार।